Hello everyone, welcome to Fast Track on Hello Global. I am Samik Sen. Joining us today, Mr. Rajesh Jais, a versatile Indian actor with a rich portfolio spanning film, television and theatre, is known for his compelling performances and diverse roles. First of all, Mr. Jais, thank you so much for taking out this time for us. Welcome to Hello Global. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. It is an absolute pleasure to have you with us today. Actually, it's my pleasure too, sir. Okay, so let me begin by asking you, okay, like, you know, NST, you're from NST, okay? How an institute like NST contribute for an actor to become a, you know, a star? Like, you know, is there some kind of a guarantee which comes along with it, or how is it? What is your take on it? Yes, this is very interesting and very important question for any listener and wannabe actors. Of course. पहले एक नोशन था कि हम तो बॉर्न एक्टर हैं, बहुतों को आज भी लगता है, लाखों लोगों को, हम तो बॉर्न एक्टर हैं, होते भी होंगे डेफिनेटली. लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू परस्यू समथिंग एज प्रोफेशन, यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग प्रोफेशन, राइट? आप डॉक्टर ओवरनाइट तो नहीं बनते हैं, या मैं लगता हूँ डॉक्टर जैसा, ऐसा तो नहीं होता. सिर्फ एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रुकता मैं तो लगता हूँ, हैंडसम हूँ, आवाज अच्छी है, बिल्ट अच्छा है, वहां से वो डिसाइड कर लेते हैं मैं एक्टर. कई बार वो नहीं करते हैं, अड़ोस पड़ोस में दोस्त यार बोल देते हैं, अबे फला, हमें नाम नहीं ले सकता, अबे फला एक्टर इतना बड़ा हो गया, तो तू क्यों नहीं, तू तो उससे बहुत अच्छा है. तो बेचारा वहां खड़े खड़े वो एक्टर बन जाता है, छोटे शहर में पान की दुकान में खड़ा हुआ या अपने गली मोहल्ले में, वो भर दिया जाता है या खुद से वो गुब्बारे की तरह भर जाता है. लेकिन जब आपको प्रोफेशन बनाना, तो जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको इंजीनियरिंग पड़ती है, डॉक्टरी के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसमें होता है, तब जाके आप 5-6 साल लगाते हो, तब जाके लिख पाते हो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट या लेक्चरर. सिर्फ इसी को इतना इजी क्यों समझते हैं? लोगों को ये लगता होगा कि वही बकैती तो करनी है, बातचीत, एक आदमी हमें मेकअप कर देगा, एक अपने दूसरे नए नए कपड़े पहना देगा, कोई लाइट जला देगा, कोई कैमरा चला देगा, यही तो हम दिन, हम ये बातचीत तो दिन भर करते हैं हम सब, ऐसा नोशन आता होगा शायद. लेकिन आई मस्ट टेल यू कि व्हेन इट कम्स टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ अ क्रू, विद सर्टेन पर्टिकुलर डिमांड कि इन दिस सीन, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू इनएक्ट दिस, देन इट कम्स कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं. ये क्राफ्ट है पूरा, हाईली स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट है. इसमें जो दूसरे ऑफ द कैमरा काम करते हैं, एडिटर हैं, कैमरामैन हैं, डायरेक्टर, ऐसे कोई ओवरनाइट नहीं बन जाता. पढ़ाई लिखाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद फिर वहां खड़े होते हैं, जब कोई उन्हें पे कर रहा होता है उस काम को करने के लिए. कोई भी यूं काम का पैसा नहीं देगा. और जैसा कि सब मानते कह रहे, एक्टर तो सब हेलीकॉप्टर से उतारते हैं, हीरे चावल ही खाते हैं, तो अगर खाते भी हैं हीरे चावल, हेलीकॉप्टर से ही उतर के खाते हैं घर, तो ऐसी क्या बात है कि इतने पैसे उनको मिलते हैं, या फिर इतना उनको, जो पूरा सच नहीं है, इतना सबको नहीं मिलता है और सबको चांस नहीं मिलता है, तो क्या खास बात है? तो कुछ तो होगा. तो उस कुछ को नहीं तलाशते हैं कि वो यूएसपी क्या है, बिकॉज दैट पर्सन डिलीवर्स दैट. सलमान खान अपने स्टारडम डिलीवर करता है, जो बहुतों के पास नहीं होगा. नवाजुद्दीन अपना, अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है. दोनों दो अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं कुछ तो डिलीवर कर रहे हैं. जिनको स्टारडम देखना, ग्लैमर देखना, सलमान खान को देखते हैं, ठीक है. जिनको एक रियलिस्टिक एक्टिंग करनी है, स्मॉल ऐसे रियलिस्टिक एक्टिंग का जॉनर देखना, उसमें इस तरह के एक्टर पसंद करते हैं लोग. तो ये एक्टर ही हैं जो अलग अलग चीजें डिलीवर कर रहे हैं एज पर द कॉन्टेंट. एंड जब से ये नेट आया, नेट की अवेलेबिलिटी, इजी और बहुत सस्ती अवेलेबिलिटी की वजह से हम एकदम से एक्सपोज हो गए हैं ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल कॉन्टेंट को लेकर. तो हम जो देखते आ रहे थे, जितनी हमारी लाइब्रेरी थी छोटी सी, वोकैबुलरी, उसके अंदर हम सुखी थे कि अच्छा हाँ ऐसे ही होता है, एक्टिंग मतलब यही होता है, अच्छा अच्छा ऐसा ही होता है. लेकिन जब हमें, हमारे सामने पूरा एरेना खुला, जब हम स्टेडियम में खड़े थे, देख रहे नाना प्रकार की फिल्में, पहले कुछ प्रिविलेज लोग बाहर जाके देख के आ जाते थे, या सिर्फ उनको एक्सेसिबल था, आम आदमी को ऐसे नहीं था, वो नहीं देख पाते थे, तो वो शायद कंपेयर नहीं कर पाते होंगे डिफरेंट परफॉर्मेंसेस क्या हैं, स्टोरीज डिफरेंट क्या, कंटेंट डिफरेंट क्या है. लेकिन जब जो इजी अवेलेबिलिटी हो गई, देन दे विल इन द पोजीशन टू कंपेयर इट, यार यार इसमें तो बड़ा रस, कुछ बात है. और वही जो चल रहा था यहाँ रेगुलर, उसको देख के बोर हो चुके थे, तो फिर वो समझ आई. तो अब वो लोग जितना स्पेशलाइज्ड काम करते हैं,
वही ट्रेंड धीरे धीरे यहाँ, अब यहाँ की ऑडियंस का टेस्ट खून लग गया वो वहां का, तो नेचुरली यहाँ के मेकर भी स्ट्रेस में आएंगे कि भैया अगर हम उनको कॉम्पीट नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कंटेंट, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन द मार्केट. सो दे हैड टू, तो फिर उनको फॉलो अप करना पड़ा. ऐसा नहीं था कि फिल्म स्कूल पहले नहीं थे, ड्रामा स्कूल पहले नहीं थे, वो सब भी अपने अपनी जगह अपना काम कर रहे थे. राज बब्बर भी एफटीआई से निकले, एनएसडी से भी गए थे, नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी वो एनएसडी से निकल के फिर एफटीआई आ गए, क्योंकि एनएसडी में थिएटर की ट्रेनिंग है, एफटीआई में कैमरे की ट्रेनिंग है. तो वो उनको लगा होगा कि थोड़ा कैमरे की भी ट्रेनिंग ली जाए, इसलिए गए होंगे. तो आप अगर किसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाने जा रहे हैं तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स उसके लिए प्रिपेयर. आपके अंदर जो है, आप बॉर्न एक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड क्राफ्ट, उसकी टेक्निकलिटीज भी. अब अगर हम यहाँ एक्टर बनने आते हैं, जैसे एनएसडी में फर्स्ट ईयर जनरल कोर्स होता है, उसमें आपको आरी भी चलाना है, सेट भी बनाना, कीला ठोकना है, झाड़ू करना है, कपड़े भी सिलने हैं, कॉस्ट्यूम भी बनाना है, मेकअप भी सीखना है, मेकअप करना है, लाइटें भी सीखनी है, उसके लेंसेज भी जानने हैं, और तमाम लिटरेचर पढ़ना, पूरी दुनिया भर का लिटरेचर, दुनिया भर का रंगमंच पढ़ना है, नो थिएटर जापान का, ग्रीस का थिएटर, अलग अलग कंट्रीज के, अपने यहाँ के कितने सारे फोक फॉर्म्स हैं, वो कुचिपुड़ी, कथकली से लेके हाँ ऑफ यहाँ कोर्स रामलीला है ना, वो सब कुछ पढ़ना है हर क्षेत्र का. तो बहुत पढ़ाई लिखाई है, तो वो सब आपके अंदर पूरा आत्मसात करना होगा. और फिर वो सेकेंड और थर्ड ईयर में फिर स्पेशलाइजेशन होता है. फर्स्ट ईयर में सब कुछ जानना है, डिस्पाइट दैट यू हैव कम हियर टू बिकम एक्टर और डायरेक्टर और स्टेज टेक्नीशियन, लेकिन एक बार सभी डिपार्टमेंट को जानना जरूरी है, तब आप स्पेशलाइज ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और फील्ड में जब काम करेंगे, फ्लोर पे काम करेंगे, सो यू विल हैव मच मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हाउ टू कोलाबरेट विद देम. सो देयर इज अ ओके रीजन दैट टेक्निकलिटी, दैट क्राफ्ट यू शुड नो. ऑफ कोर्स और एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, 24/7 आप उसी में ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो उस 3 साल के इंटेंस कोर्स में जितना सीखते हैं, उतना शायद आप 10-15-20 साल लगे बाहर छुटपुट छुटपुट काम करते हुए सीखने में, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है, खाने पीने की चिंता नहीं करनी है, मेस है वहां, खाना खाना है, कमाने नहीं जाना, पैसे नहीं कमाने हैं, सिर्फ वही काम करना. तो वो 3 साल बहुत इंटेंस होता है, और आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम दैट, अच्छा ऐसा नहीं है कि सब पास ही होते हैं, निकाले भी जाते हैं, ड्रॉप भी होते हैं, उनको सब्जेक्ट में दोबारा भी अपियर होना पड़ता है, ये सब भी है. तो वहां से जब निकलते हैं तो यू फील कॉन्फिडेंट कि आप किसी के सामने खड़े कर दो, कैसा भी रोल दे दो, दे आर इक्विप्ड. तो उस पर मेकर्स भी ज्यादा भरोसा करते हैं. मतलब ये होगा कि अगर कोई बोलेगा कि मैं सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट से हूँ, एफटीआईआई से हूँ, बीएनए से हूँ, एनएसडी से हूँ, तो उससे एक उसकी सीरियसनेस की डिग्री का पता लगता है मेकर को, कि हाँ ऐसी नींद से उठ के नहीं चला आया यहाँ पर, उसने एक अपना कुछ सवाल समय है, दिया एक है. सवाल हाँ है, ये जो आप क्राफ्ट बोल रहे हो वहां पर इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, तो वहां पर क्या ऐसे ऑप्शन मिलता है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक रोल दिया जा रहा है, आप उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, कि मतलब डायलॉग दिया जा रहा है, आप उसको डायलॉग्स बोल रहे हो ना, कि मतलब हम लोग बहुत सारे इंस्टेंसेस देखते थे, बहुत सारे एक्टर्स दे गो इनटू लाइक एक्सट्रीम प्रोसेस फॉर अ प्रिपरेशन, गो इनटू दैट कैरेक्टर बिफोर प्लेइंग द टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर, तो ऐसे ऑप्शंस रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं कि वो एक्टर चूज करता है। देखिए, डिफरेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग पढ़नी पड़ती है. ली स्ट्रासबर्ग है हमारा, ग्रोटोवस्की का थिएटर पढ़ते हैं अपना, जो हमारे यहाँ नेचुरलिज्म तो था ही नहीं ना, हम तो फोक थिएटर वाले लोग हैं, लार्जर देन लाइफ करने वाला हमारी अपब्रिंगिंग उसमें है. तो उससे निकला पारसी थिएटर, पारसी थिएटर से हमारा हिंदी सिनेमा शुरू हुआ, तो स्टाइल भी वही था, स्टाइलाइजेशन का जमाना था उस समय, सब स्टाइल मारते थे, जिसका स्टाइल अच्छा था वही बिकता था. देवानंद साहब का एक स्टाइल था, पृथ्वीराज कपूर का एक स्टाइल था, प्राण साहब का एक स्टाइल था, तो स्टाइल का जमाना था. लेकिन वेस्ट में रियलिज्म पे बहुत ज्यादा काम हुआ, और वो एक अलग बिल्कुल मिजाज था. तो जब उससे हमारा एक्सपोजर हुआ, तो हमारे हमें समझ में आया कि हाँ वो एक थोड़ी डिफरेंट दुनिया है, हम जो करते हैं उससे थोड़ा अलग है. हालांकि उस समय भी देखिए, बलराज साहनी जी जैसे आदमी, वो वहां के पढ़े हुए, और जब उन्होंने वो रिक्शे वाले का रोल किया, कितना नेचुरलिस्टिक किया, करते भी थे हर रोल में, और उस समय भी जब एकदम स्टाइलाइजेशन का जमाना था, तब उन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया. संजीव कुमार कितना रियलिस्टिक करते थे,
आसपास सब एकदम स्टाइलाइज कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी स्टैंड आउट करते थे। तो क्या है कि आप एनएसडी में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग बताया जाता है, चाहे स्टैनिस्लावस्की का भी आप पढ़ लो, मतलब मेथड एक्टिंग जो तो बहुत लोग काम करते हैं। तो उसमें ऐसा है कि आपको सिर्फ एक्टिंग एज सच नहीं पढ़ाया जाता है, एक्टिंग के आसपास की दुनिया, एक्टिंग कहाँ से आती है, एक्टिंग एक स्क्रिप्ट से आती है, और स्क्रिप्ट क्या है, लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर कहाँ से आता है, समाज से आता है। तो समाज को भी आपको जानना है, आपके आसपास आपके एम्बियंस में क्या हो रहा है, आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, वो 1789 की फ्रांस की क्रांति क्या है, 1919 की क्रांति क्या है, बोल्शेविक क्रांति क्या है, वो भी पता होना है। तो उसके पीछे का जो मर्म है, उस समय का कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उस इतिहास को जानना जरूरी है। आप आधे अधूरे कर रहे हैं मोहन राकेश का, तो मोहन राकेश के आधे अधूरे करने के लिए आपको उस मोहन राकेश की जिंदगी में जाना पड़ेगा कि वो क्या परिस्थितियां थी। कोई भी लिखता है तो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल कोई लीनियज होता है, रेफरेंस होता कनेक्शन है। होता है, हाँ अपने एक्सपीरियंस लिखता है। तो उस इन बिटवीन लाइंस के मीनिंग को, उसकी संवेदनाओं को समझने के लिए उस आदमी की जाति जिंदगी में अगर आप जाएंगे तो उसकी रचना ज्यादा समझ में आएगी, वो तो किसी भी आर्ट फील्ड में। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का बहुत ही इंटेंस योगदान है एक्टिंग में। तो कोई भी रोल जब आप करने जाते हैं, अब हैमलेट इतने सालों से हो रहा है लेकिन आज भी हैमलेट होगा तो हम देखने जाएंगे ना, है तो वही स्क्रिप्ट वही डायलॉग, फिर क्यों देखने जाते हैं? इसलिए कि वो अलग परिवेश में हो रहा है, अलग देश काल समाज में हो रहा है, अलग व्यक्ति कर रहा है, तो वो चीजें बदलेंगी, उसमें रेफरेंस पॉइंट बदलेंगे, कंटेंट थोड़ा सा डेविएट होगा, मूल वही रहेगा। तो ये तब होगा जब आप 50 और चीजों से लोडेड हैं। वो लोड क्या है, जो आपके आसपास दूसरी कला की विधाएं हैं, संगीत हो, नृत्य हो, स्कल्पचर हो, लिटरेचर हो, उन सब से आपका आपकी तारतम्यता है, आप उनसे कनेक्टेड, उनको भी समझते हो, तब वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपके एक्टिंग में। एक्टिंग आइसोलेशन की चीज नहीं है, एक्टिंग सिर्फ एक टूल है, ये कहना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव आर्ट है जो हम करते हैं, चाहे सिनेमा में हो चाहे थिएटर में हो, सब अपने अपने डिपार्टमेंट का अपना अपना इनपुट डालते हैं। तो जो आपने पूछा था वो कैरेक्टर कैसे करते हैं, क्या उसकी तैयारी थी, तो एक आदमी जिसने 50 किताबें नहीं पढ़ी, 50 नाटक नहीं देखे, 50 नाटक जानता नहीं, कुछ नहीं किया, वो एक रोल करेगा, और जो पूरा ये करके आया है, जिसके लाइब्रेरी में भरा पड़ा हुआ है, जिसने अच्छा सिनेमा देखा हुआ, अच्छा म्यूजिक सुना हुआ है, उसके पास अपना रिच एक्सपीरियंस है, तब जो वो जाने अनजाने जो उसमें कलर्स भरेगा ना, वो एक वनीला जो ऐसे एक्टर आ गया करने, किसी को बोल दिया आपने कर लो, उसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। आप बहुत सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ, नसीरुद्दीन शाह, कोई भी रोल में याद करके देख लीजिए, आपको पार, मंडी, वो ब्लाइंड वाली फिल्म थी इनकी, एक पारसी वाली फिल्म थी, पेस्तन जी, स्पर्श, सब में डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट रोल रखते हैं, वो आदमी इतना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसमें इतनी डेप्थ होती है। आज भी थिएटर करते हैं उतनी एलानिया, इतने बढ़िया से थिएटर करते हैं रच के, तो ये उतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन, ही इज नॉट ओनली लिटरेट, ही इज हाईली एजुकेटेड, हाईली सेंसिटिव पर्सन। तो वो सेंसिबिलिटीज डेवलप करना करवाने का काम है इंस्टीट्यूट का, कि आप एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग आप करोगे लेकिन उस एक्टिंग में समाज का पूरा एक रिफ्लेक्शन आना चाहिए। जितनी ज्यादा आपको समाज की समझ होगी, देश काल परिवेश की समझ होगी, उतना अच्छा, उतना बारीक काम करेंगे, उसमें उतने शेड्स दे पाएंगे। आदमी अभी देखिए, हम कलाकार लोग क्या हैं, वी आर वेरी सिमिलर टू जर्नलिस्ट, लेकिन जर्नलिस्ट का एक इंस्टीट्यूशनल राइट है ना, कि वो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता, बोल सकता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च, फिगर एंड फैक्ट्स देखने के बाद, ऐसे तो किसी को नहीं बोल सकते, और उन पर कोई बड़े से बड़ा नेता भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक मीडिया हाउस वो बात कर रहा है, तो उसके पीछे एक पूरा इंस्टीट्यूशन भी है। वही बात आप सीधे टेक्स्ट में डायरेक्ट लिख देते हो या बोलते हो रिपोर्टिंग में, उसी बात को हम भी कहते हैं लेकिन आर्टिस्टिकली, और छुपा के, थोड़ा शक्कर उक्कर लपेट के, ताकि किसी धारा में भी ना फंसे, हथकड़ी भी ना लगे, देशद्रोह का या किसी और तरह का, कि राजा के खिलाफ बोला, लेकिन हमें कमेंट तो करना है। आप डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम कमेंट उसको इमोशन का तड़का लगा के करते हैं,
लोगों को फील करा के सौंदर्य बोध के साथ। निशाना वही होता है, एस्टैब्लिशमेंट, व्यवस्था, शासन, प्रशासन, उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। अब उसको चाशनी लगा के जो आर्ट का काम है ना, खूबसूरती से उसको, तो ये सब के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो स्कैम 1992 में आपने बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, तो स्कैम 92 आपको कैसे मिला एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द लेजेंडरी हंसल मेहता? कैसे मिला तो बहुत स्टैंडर्ड में रेगुलर जवाब होगा कि किसी कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोबेबली मुकेश छाबड़ा के यहाँ से हुआ था, या कास्टिंग बे, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो जैसे होता है कि एक रोल है ऐसा 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 है तो आप करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि ये डेट है, ये डायरेक्टर हैं, ऐसा ऐसा, फिर लास्ट में धन की बात होती है। तो खैर करने गए, तो उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो सीन था रजत कपूर के साथ, तो डायरेक्टर साहब आए अंसल मेहता। अंसल जी को बहुत पहले, सदियों से जानता हूँ, बहुत पहले से, लेकिन कभी के साथ में काम नहीं किया था। तो एक जान पहचान का वो तो था यार, कॉमन फ्रेंड सर्किल भी है उस तरह से। हाय हाय, वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अरे हाउ कम, इतने साल हो गए साथ में काम नहीं किया, जो भी हुआ खैर। तो रजत जी के साथ सीन में खड़े हुए, तो बोले हाँ देखें कैसे करते हैं, कैसे करेंगे सीन। तो हम दोनों ने लाइन बोलनी शुरू की, तो था छोटा सा ही, लेकिन अब रजत कपूर भी FTI के हैं, थिएटर वगैरह किया हुआ है। तो जो शरारती एक्टर हैं, कुछ कुछ हल्का सा कर देते हैं, बहुत बारीक सा छोड़ देते हैं, अब उसको आप पकड़ पाओ, पकड़ के आगे बढ़ा दो, तो उससे बात बढ़ती चली जाती। तो वैसे ही हुआ, सीन तो खत्म हुआ, कहीं उन्होंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, ऐसे करते 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 सीन कहीं और चला गया। तो असिस्टेंट जो स्क्रिप्ट लेके खड़े रहते हैं फॉलो करने के लिए, लाइन ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, तो वो बेचारा लाइन ही ढूंढ रहा, किधर गया किधर गया किधर गया। तो डायरेक्टर साहब को कुछ किया, हमने, हमें लग रहा था बातचीत चल रही है, तो डायरेक्टर ने कहा कि ये जो कर रहे हैं ये रखो, अभी वो फाइनल करो। तो वो ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज हुआ, जो सीन लिखा गया था उससे थोड़ा अलग एक्सटेंडेड वर्जन। तो ये थी हंसल मेहता की खूबसूरती कि उन्होंने वो आजादी दी, मैंने कहीं रोक नहीं लगा, हाँ कैसे करेंगे देखें। तो हम जब करने गए तो हम शरारत करके कहीं कहीं और चले गए, और उन्होंने उसको अप्रूव किया, बिकॉज वो उस स्कैम के पूरे मिलियो में फिट हो रहा होगा एज डायरेक्टर, उन्होंने वही अलाउ किया। वो एक घटना थी। दूसरा एक सीन हुआ था कि मैं कर रहा, तो वो आके देखे और उठ के चले गए, टेक के पहले ही रिहर्सल देखा और चले गए बाहर। तो मैं बड़ा कंफ्यूज कि पता नहीं बुरा मान गए हैं, ठीक नहीं लगा इसलिए क्या। तो मैंने असिस्टेंट से बोला भाई बता दो यार, कुछ ठीक नहीं लगा डायरेक्टर को तो बता देना सीधे, मुझे ऐसे उठ के चले गए क्या मतलब है, मुझे पता चलना चाहिए ना, नहीं ठीक लग रहा तो चेंज करते हैं। तो बोले कि नहीं, तो फिर आंसर किया है, बोले कि मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने देखा कि जो मैंने सोच के आया था उससे आप लोग बेहतर कर रहे हो, इसलिए मैं बाहर चला गया, तो मैं अपने प्रोडक्ट कैसे खराब होने दूंगा, इसलिए चला गया। मैंने हाँ तो बता देना चाहिए। तो दिस इज हाउ वैसे दो सीन। आप स्क्रिप्ट कैसे चूज करते हो? जैसे पाताल लोक जो ग्राउंड ब्रेकिंग था, ऐसे स्क्रिप्ट आप चूज कैसे करते हो कि ये मुझे करना है? सर पाताल लोक का आपने नाम लिया, कुछ और याद आ गया। पाताल लोक के पहले जो काम आ रहे थे, वो एक दौर ऐसा था जब वेब सीरीज टेक ओवर कर रहा था, सीरियल की दुनिया पीछे जा रही थी, ये नया नया मीडियम, नई चीज आ रही थी। लेकिन जितने काम आते थे सब में बारूद भरा था, वो या तो अपशब्द भरे होते थे, गालियां वालियां, या फिर सीन आड़े टेढ़े से होते थे, सेंसिटिव। तो मैं ना ना करता रहा, नहीं करता रहा, और टेलीविजन छोड़ चुका था, मतलब छोड़ा था, 2013 तक मैंने सीरियल किया, उसके बाद नहीं कर रहा, उसके बाद नहीं किया बिल्कुल। ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, कर भी सकता हूँ अगर अच्छा काम आए तो। छोड़ता जा रहा था, छोड़ता जा रहा था, तो मुझे लगा ऐसे कैसे सर्वाइव करूंगा, मेरी जगह कोई और करेगा, करता भी था। तो पाताल लोक का जब काम आया, तो उसमें कुछ ऐसा सीन था जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने, वो राइटर थे सुदीप, तो पुरानी जान पहचान थी हमारी, उनसे कहा कि दादा आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो नहीं कर पाऊंगा ऐसा। अरे नहीं 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 ऐसा कैसे। तो फिर वो अपना अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर थी, अनुष्का शर्मा के साथ मैंने रब ने बना दी जोड़ी की थी, दैट वॉज हर डेब्यू। तो फिर उनके तरफ से आश्वासन आया कि नहीं हम आपके सेंसिबिलिटी के साथ एस्थेटिकली करेंगे, द वे यू आर कंफर्टेबल। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं वो इंडेमनिटी लूंगा और NOC कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बोले हाँ हाँ हो जाएगा। तो वो सब लेके, और तब किया था वो रोल, तो वो एक थोड़ा सा पाथ ब्रेकिंग जैसा हो गया, और उसके होने की वजह से हो गया कि
बहुत सारे काम आने लगे। अभी क्या होता है ना, एक जगह काम करते हैं जिस तरह का, तो वैसे ही काम आपको बार बार आने लगते हैं। अच्छा तो हम लोग बड़े थिन रेड लाइन पे काम करते हैं, आप जैसा दिख गए एक बार तो वैसा ही रोल आपको मिलने लगेगा। नाउ इट्स योर कॉल, है ना, हाउ टू मतलब वेदर यू हैव टू परस्यू दिस और चेंज करना है या ब्रेक लेना है। तो हमें ब्रेक लेना पड़ता है। लाइक आई स्टार्टेड विथ कॉमेडी, शांति में नानू जासूस तक कॉमेडी, वो कॉमिक कैरेक्टर था। सॉरी मेरी लॉरी, वो तो पूरा ISI मार्क था बिल्कुल। अच्छा, ये सभी एक्टर के साथ होता कि क्या होता, किसी भी रोल में आप दिख जाते हैं और वो थोड़ा शायद लोग लाइक कर लेते हैं या फिर अच्छा हो जाता है, जो भी कहिए। तो उसी तरह की एक इजी कास्टिंग एक पैटर्न है। कह रहे एक पुलिस वाला चाहिए, अच्छा तो CID में जो बनता था उसको उसको बुलाओ। एक डॉक्टर चाहिए, अरे उसमें डॉक्टर मतलब अब इसको क्या हाँ कहेंगे पता नहीं। तो उसमें अब टाइप कास्ट होने से बचना जो है बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। बहुत लोग वो बहुत इजी वे आउट भी है, आपको इजीली काम मिलता है कि आप फिर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ये लड़की के बाप में ये नाम है ना, कॉमेडी करने वाले ये नाम है। वो थोड़ा सा इजी भी होता है, बट इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। और उससे आपकी शेल्फ लाइफ भी कम होगी और आप रिपीटेटिव भी होगे, स्टेल भी हो जाओगे और आप भी शायद एंजॉय नहीं करोगे। सो दिस इज वॉट हैज बिन हैपनिंग विथ मी एज वेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज आई स्टार्टेड विथ कॉमेडी। वो नानू का रोल किया था शांति में, दैट वॉज द फर्स्ट शांति डेली में सोप ऑफ हाँ कंट्री। तो उससे स्टार्ट हुआ, फिर सॉरी मेरी लॉरी, ये पूरा आउट एंड आउट कॉमेडी वो था, जोक्स पे बेस्ड था, लाइक ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ले लिया कि भाई बहुत गड़बड़ हो रहा। फिर कॉमेडियन मैंने रोल आते थे सर, एक कॉमेडियन का कैरेक्टर है, तो आई डेंट लाइक इट, मैंने मुझे अच्छा नहीं लगता था उसमें कॉमेडियन का कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर बताओ, बाकी देखते हैं ना स्क्रिप्ट के हिसाब से उसमें ह्यूमर डालना है क्या डालना है। तो मैं ब्रेक लिया, 6-8 महीने काम नहीं किया कि नहीं आई वॉन्टेड टू ब्रेक इट, बिकॉज वो इमेज बन जाती है। तो लोग वो एक कंफर्ट जोन होता है मेकर्स के लिए, कास्टिंग वालों के लिए। तो फिर ब्रेक लिया, उसके बाद फिर सीरियस सा शुरू हुआ, फिर ग्रे शुरू हुआ, फिर बीच में लड़की का बाप, प्यारा सा बाप, अच्छा सॉफ्ट सा। तो टेलीविजन में ऐसा किया, तो क्या टेलीविजन जब 2013 तक लास्ट किया, एक शास्त्री सिस्टर्स आता था कलर्स में, उसमें मैं शास्त्री जी बनता था, 4 बेटियां थी, ऐसा था, दैट वाज माय लास्ट टेलीविजन सीरियल। उसके बाद फिर फिल्मों में सेम लड़की का बाप सब बनने लगा। अभी लेटेस्ट तो झूठी मैं मक्कार में श्रद्धा कपूर का पिताजी बना हुआ था, उससे पहले जाह्नवी कपूर का पिताजी बना हुआ था एक फिल्म में। तो ऐसे कहीं उसका नुसरत भरूचा का। तो खैर अब जो है ग्रे में चल रहा हूँ इन दिनों, थोड़ा ग्रे कैरेक्टर, तब ब्लैक एंड एंजॉय कौन वाइट। सा ज्यादा करते हो? मेरे हिसाब से ग्रे वाला शायद थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा। नहीं एंजॉय तो सभी किया मैंने, क्या होता है एक्टर है ना, हमें एक्टिंग की भूख है। तो जैसा कि आपने कहा कि हम क्राफ्ट वाले एक इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो पूरी जान लगा देते हैं उसमें, उसकी स्टडी करने में। जैसे एक बार एक रोल मिला था, उस कैरेक्टर तो मैं हिंदी नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अनपार्लियामेंट्री आज के डेट में, लेकिन जो डेड बॉडी हैंडल करते हैं ना घाट पे, तो वो उसका दूसरा वर्ड मुझे नहीं मिल रहा। तो एनीवेज तो वो रोल मिला था। अब मेरे लुक में मेरे कहीं मुझे लगता है कुछ मिसफिट है, लेकिन वो डायरेक्टर ऐसे थे, एक बड़े अच्छे डायरेक्टर उमेश पडलकर, वो हमेशा मुझे उल्टे पलटे ही रोल ऐसे देते थे जो मैं लगता नहीं हूँ, दूर दूर से जो मेरे आसपास नहीं है, और वो देख के मुझे वो कास्ट करके फिर मजे लेते थे कि NSD से हो ना आप करो मेहनत। तो जब उन्होंने वो कास्टिंग की उस रोल के लिए, वो डेड बॉडी हैंडल करने वाला, तो मैं गया एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल है जू में, उसके मॉर्ग में जाके बैठा 3 दिन। वो डेड बॉडीज रखी रहती हैं एक के ऊपर एक स्टैक करके, और वो तो बड़ा फिल्मी सीन होता है, जैसे निकालते हैं ड्रॉअर खोल के, उसके अलावा ऐसे गेहूं की बोरी की तरह रखे रहते हैं डेड बॉडीज, क्योंकि जगह कम होती है और स्मेल रहता एकदम चिल्ड। उसको हैंडल करने वाले लोग, तो उनके साथ पूरे पूरे दिन बैठ के जानना, उनके बारे में बात करना, तो 3 दिन तक मेरा अपना ब्रेन वॉश होता रहा। तो उसके बाद जो कैरेक्टर किया था, नेचुरली दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड बीन डूइंग टिल देन। तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको उस तरह का कि कुछ अलग किया, तो अलग अलग वो फैकल्टीज डिस्कवर करने में बड़ा मजा आता है। दैट इज द रीजन मैंने मेरे वेबसाइट का टैगलाइन ही वही है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन टू लिव सो मेनी लाइव्स इन वन लाइफ। ऑफ और कोर्स उससे क्या होता है सेन साहब, मैं बताऊं आपको, दिस इज लाइक जर्नी फॉर माय एजुकेशन एज वेल। आप कोई भी एक वैसा कैरेक्टर मिलता है, तो उस कैरेक्टर को करने के पहले उसको स्टडी करने के चक्कर में हमें बहुत ह्यूमन नॉलेज होती है। माने जो आप अदरवाइज, जैसे मैंने जो डेड बॉडी हैंडल करने वाला रोल मिला, तो अदरवाइज आई कांट थिंक कि मैं कभी किसी ऐसे लोग से कभी मेरा वास्ता पड़ता या उनके साथ बैठता और बात करता, जरूरत ही नहीं महसूस होती कभी।
क्योंकि अपनी दुनिया मशगूल रहते हैं। कभी ऑटो ड्राइवर का रोल मिलेगा तो शायद ऑटो ड्राइवर के साथ खूब उठूंगा बैठूंगा बातचीत करूंगा तो 50 चीजें पता लगेंगी। ये सोशियोलॉजी है, और एक समाज में जो हम रहते हैं अदरवाइज कहाँ मौका मिलता है। अगर मुझे कोई जर्नलिस्ट का रोल मिलेगा तो जर्नलिस्ट की जिंदगी में जाऊंगा, उसकी दिनचर्या देखूंगा, उसकी पढ़ाई लिखाई देखूंगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखूंगा, उसके अप्स एंड डाउन देखूंगा। तो दिस इज हाउ यू गेट टू नो थ्रू दैट कैरेक्टर, यू गेट टू नो अबाउट अ सेक्शन ऑफ पीपल जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता हमारी लाइफ में। तो इससे एक एनरिचमेंट होती है, आप कितने रिच होते जा रहे हो। एवरी टाइम आफ्टर यू डू अ कैरेक्टर यू बिकम मोर रिच, लगा पूरी एक नॉवेल पढ़ ली। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रोफेशन। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते, मीडियम, तो आप थिएटर्स भी किए, तो थिएटरिकल प्रोडक्शन मुगले आजम, उसका नैरेटर भी आप रहे और परफॉर्मर भी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए थिएटर तो मक्का मदीना है एक्टरों का, मैंने वहां से जो निकल के आता है वो रॉक सॉलिड होता है। जस्ट इमेजिन यू आर लेफ्ट विद नथिंग इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फिल्म में बहुत सेफ्टी रहता है, बहुत टेक ले लेंगे, इसमें फंबल मारा, इसमें कुछ किया, उसमें किया, 50 तरीके उसके एडिट में संभाल लेंगे, 50 टेक ले सकते हैं। यहाँ तो सिंगल टेक है एंड यू आर अनआर्म्ड। और मुगले आजम में मेरा नैरेटर का कैरेक्टर है जो पहला वर्ड ही प्ले का मेरे मुंह से निकलता है हिंदुस्तान, मतलब वो 13-13 एंट्रीज हैं। तो चूंकि मुगले आजम जो फिल्म है वही सेम स्क्रिप्ट है विद सेम डायलॉग सेम गाने सब, अभी भी चल रहा हमारा 2016 से कर रहे हैं, अभी फिर US जा रहे हैं 2 महीने के लिए। तो मतलब आप अकेले खड़े हो, पूरा स्पॉट आप पे पड़ रहा है, और वो जबान थोड़ी सी अलग, खालिस उर्दू, तीर बहादुर के मिज़दाक, तो उसमें मैंने गलती की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आज इतने 300 से ज्यादा शो कर चुके हैं, अगर छोटी ई का बड़ी मैंने उच्चारण कर दिया, छोटा ऊ का बड़ा ऊ बोल दिया, तो पूरे यूनिट को पता लग जाएगा कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो मात्रा हिली है। तो इतनी बारीकी उसमें, और मतलब चारों तबक रोशन बोलते हैं वो रखना पड़ता, पूरे एंटीना एकदम खुले रहते हैं, कहीं कोई गलती की संभावना नहीं है। शो रहता है उस दिन एकदम चुपचाप रहते हैं कि कहीं दिमाग और नहीं भटकाना है शो करने तक। एक तो वो बहुत टफ जॉब है, और एक एक्टर के लिए थिएटर करना, थिएटर क्या है कि थिएटर तो लंबा प्रोसेस है तैयार होने का, 1-1.5 महीने 2 महीने लगते हैं। सबसे अच्छी बात थिएटर की है कि यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, आप डिस्कवर करते हैं अपने बॉडी के बारे में, अपने बॉडी के फैकल्टीज के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, टिश्यूज के बारे में, अपने मसल्स के बारे में, बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो करते हैं वो जानते हैं कि क्या क्या कराया जाता है, उस सब पर काम होता। अदरवाइज आप अपने आप को भी कई बार नहीं जानते हैं, अगर आपने थिएटर नहीं किया तो शायद आप भी नहीं जानते हो क्योंकि आपका बॉडी, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी आवाज में क्या क्या कलर्स हैं, आपके अंदर क्या क्या इमोशन है, जब आप रोते हो तो आपकी शक्ल कैसे लगती है, हंसते हो तो कौन सा सुर लगता है आपका, ये सब थिएटर करते हुए आपको जानकारी मिलती है। मतलब यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर अपैरेटस, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर्स, वो आपकी मुलाकात होती है, आपको मिरर दिखाते हैं कि बेटा आप ये हो, रोते हो तो इतने भद्दे लगते हो, हंसते हो तो ये दांत दिखता है ठीक है, और रोने में बहुत अजीब सा साउंड करते हो, या फिर तार सप्तक में बात करोगे तो ये प्रॉब्लम है, मंद्र सप्तक में तुम्हारा तुम्हारा बेस आता नहीं है, तो ये सब पता लगता है थिएटर करते हुए। तो थिएटर इज अ चैलेंज, और दैट रियली प्रिपेयर्स यू एज एन एक्टर। और उसके बाद आपने थिएटर अच्छे से किया है तो उसमें क्या होता है कि भाषा की भी ट्रेनिंग है। अभी नॉर्मल जिंदगी में, जाती जिंदगी में हम बहुत गलतियां करते हैं बोलते वक्त, न्यूज रीडर को भी कई बार मैंने मिजाज बोलते देख सुना है ना, होता मिजाज है तो मिजाज कर देंगे, तो ये सब डे टू डे लाइफ में तो माफ है, लेकिन वहां जब कर रहे हैं तो वहां एक पीस ऑफ आर्ट तैयार किया गया है, वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां आपको सही ही करना है। सो दिस इज वॉट एन एक्टर लर्न इन थिएटर, एंड ही हैज एनफ एम्पल टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तब जाके हम शोज करते हैं। तो वो करने के बाद फिर कैमरा बहुत मतलब यूं रखता है इजी सा कि यहाँ कर देंगे, क्योंकि आपने इतना काम किया हुआ अपने ऊपर, वो लैब वर्क है थिएटर करना। तो ये हमारा मुगले आजम चल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा सिलसिला है हमारा एक सौ टेलीविजन में आप पच्चीस लोग हम लोग यहाँ हैं, और विदेश में जाते हैं तो वहाँ 150 लोग हो जाते हैं, 25 वहाँ के टेक्नीशियन लेने पड़ते हैं, तो 150 की यूनिट हो जाती है हमारी।
अभी 100 डेज हमने यूएस कनाडा में शोज किया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डेलस वगैरह सब, अभी फिर शोज हैं वहीं। तो टेलीविजन आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, 2 डिकेड्स, कितना चेंज हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस नाउ एंड देन जब आपने स्टार्ट सर किया था? आई स्टार्टेड इन लो बैंड। लो बैंड आपको पता होगा, लो बैंड के बाद हाई बैंड आया, यूमेटिक आया, फिर बीटा आया, डीजी बीटा आया, फिर ये एचडी आए, अब तो चिप आ गया इतना सा। पहले वो टेप लेके जाते थे, तो वहां लो बैंड से शुरू किया, एकदम एकदम इनिशियल स्टेज से। मैंने उसके पहले वीडियो कैमरा था वो शादी वाला से वीडियो होता था, तो वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचे हैं, चिप तक आए हैं। तो नेचुरली आमूल चूल परिवर्तन हुआ, जो हिंदी में करेक्ट वर्ड, आमूल चूल परिवर्तन हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी, कंटेंट, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग और स्टारडम, एवरीथिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। मतलब उस समय रामायण सीरियल आता था, तो मुझे याद है देखता था तो तीर जा रहा है ऐसे, छुर 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 छुरिया होती है ना दिवाली में जलाते हैं, तो उस तरह का कुछ निकलता था, तो मेरे लिए बड़ा फनी होता था, वो हंसता भी था देखे कि ऐसा लगता है कोई पकड़ के यूं ले जा रहा है। और आज के डेट में देखिए जो फाइननेस आ स्पेशल गया आपका वीएफएक्स की वजह से, ग्राफिक्स की वजह से, ये कंप्यूटर के टेक ओवर करने की वजह से, तो मतलब क्या से क्या हो गया। मैंने चेहरा बदल देते हैं, आवाज बदल, और एआई के आने से पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। तो कंटेंट जो है बहुत बोल्ड होता चला गया है। मीडियम की बात करें तो टेलीविजन अभी भी एक ट्रेडिशनल मीडियम तो है ही, और चूंकि स्पेसिफिकली घरों में देखा जाता है तो उसकी एक मर्यादा है, मर्यादा थोपी भी गई है, और खुद से भी हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। लेकिन चूंकि वेब सीरीज मैंने ओटीटीज में वो अभी लाइन नहीं खींची गई है सरकार की तरफ से, सीबीएफसी का वो स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको सेल्फ रेगुलेट करने को कहा गया है, विनती की गई, आपको रिक्वेस्ट किया गया है सेल्फ रेगुलेट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो चूंकि बीच में बहुत कुछ ज्यादा हो गया था, तो उससे थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट आ गया था, अनरेस्ट सा होने लगा था देखते वक्त भी। नेचुरली है तो वही स्क्रीन ना, अब उसमें आप सीरियल देखते थे, आप घर परिवार के साथ देखते हो, अभी भी हिंदुस्तान वैसे घरों से भर रहा है जो कि एक घर में सब लोग टेलीविजन एक साथ देखते हैं, एक साथ ही या वो हॉल में होता है, सबके लिए अलग अलग टेलीविजन नहीं होता है। तो नेचुरली एक फैमिली विविंग का ये मीडियम है, तो सीरियल में वो धागे अभी भी बंधे हुए हैं, वेब सीरीज में आते ही वो थोड़ी जो लिबर्टी मिली ना, तो उससे अच्छा बुरा दोनों हुआ, अच्छाई ज्यादा है, बुराई थोड़ी से कुछ तरफ से, कुछ लोगों के थ्रू तो सब जगह होता है, तो नेचुरली वो भी उनको भी कसना थोड़ा जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा नहीं, आप आजादी लें, मतलब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, बहुत है हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो खैर क्या बात करें, कोई कुछ भी कह सकता किसी को भी तो वो है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कस्टम, ट्रेडिशन और पर्सन, जाति भी नहीं होना चाहिए। आप किसी एक घटना पर कहानी बनाते हैं तो यू आर टेलिंग अ स्टोरी, वी आर बेसिकली स्टोरी टेलर, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग व्हाट आई सेड। आप मिरर दिखाइए, उनका एंटरटेनमेंट कीजिए। अब देखिए कितनी अच्छी चीज है, पूरे कोविड में पूरी दुनिया को बचाने में किन दो चीजों का हाथ रहा है, दवाई और एंटरटेनमेंट। हिंदुस्तान में जहाँ ये बंबई जैसी जगह में वन रूम किचन में दो दो जनरेशन साथ में रह रही थी, अगर एंटरटेनमेंट नहीं होता, टेलीविजन घरों में नहीं होता, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो लोग घर में दिन भर कैद रहते? ये कैप्टिविटी थी, जेल था, आपको हाउस अरेस्ट था, और कितने सक्सेसफुली वो हुआ हाउस अरेस्ट, इसमें किसको कॉन्ट्रीब्यूट, दवाई खिला खिला के जिंदा रखा और टाइम पास कराया हमारा एंटरटेनमेंट में। तो जो अंडर एस्टिमेट करते थे एक्टर को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, वो पता लग गया कि नहीं भैया ये बहुत सही चीज है, गवर्नमेंट को इतना टैक्स देते हैं, ब्लैक मनी खत्म ही हो गया, पहले जैसा रहा नहीं, सब चेक से होता है काम, कॉर्पोरेटाइज हो गया सारा, और बदले में सरकार की तरफ से कोई रिटर्न नहीं आता वेलफेयर में, ये भी खूबसूरती है, चेरी ऑन द केक, टैक्स तो जा रहा है। अब देखिए हमारी दुविधा, हम एक्टर्स हैं, वी आर फ्रीलांसर्स, हम काम नहीं करते तो कोई नहीं पूछता है, जिस दिन हम काम करेंगे एक बिल रेज किया तुरंत उस पर जीएसटी लागू हो जाएगा। अब जीएसटी सामने वाला दे नहीं दे, 2 महीने बाद दे या मना कर दे, या उसका है ही नहीं, मुझे तो जेब से पे करना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा आना, तो जीएसटी हमें घर से पे करना पड़ेगा कमिंग मंथ में 20 तारीख के पहले, कोई भी बिल रेज करते हैं वो सब, मैंने वहां पर लगे हुए पूरी एजेंसियां कि आपने क्या कमाया कितने बिल पड़े, लेकिन जब हम अनएम्प्लॉयड हैं तो इसी समाज से कोई
सहारा नहीं मिलता ना किसी व्यवस्था से कि हमारा पेंशन हो, मेडिकल हो या कोई और किसी तरह का अलाउंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर अकेले खड़े हैं हम एक्चुअली युद्ध भूमि। आपने अभी बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आज वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस डे है, तो आप अपना करियर क्या बात है, जर्नलिज्म, हाँ जर्नलिज्म से स्टार्ट किए, तो आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस डे? ये बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया हथियार भी है, बट ये ऐसा हथियार भी मतलब ब्रह्मास्त्र है। इट शुड मतलब हैंडल विथ केयर। इसकी धार इतनी तेज है कि इसको हैंडल करना बड़े समझदार लोगों का, बड़े विजडम वाले लोगों का काम है। आज जो मैं देख रहा हूँ, अगर आप जर्नलिज्म की बात करें ओवरऑल, तो डेफिनेटली पहले से बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं लगती है मुझे। जी पहले जो जर्नलिस्ट, जो हमारे रोल मॉडल होते थे, जिनको पढ़ता एडिटोरियल पढ़ने की वो रहती थी, आज का एडिटोरियल क्या है, और नामचीन लोग जो लिखते, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो साहित्य के लोग होते थे, लिटरेचर के लोग होते थे, उनको पढ़ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को लेकर, वो अभी भी है, अभी भी वैसे लोग खत्म नहीं हो गए हैं, लेकिन जो जमात बढ़ी है ना जर्नलिज्म के नाम पे, और ये यूट्यूब चैनल इस तरह के बहुत सारे खुल गए हैं, और कुछ अलग ढंग की दौड़ चल रही है, अलग ढंग की रेस। मैं वो न्यूट्रलिटी, वो ऑब्जेक्टिविटी मिस करता हूँ जो जी उसका बेसिक फंडा है। यू आर अ कमेंटर, आप किसी पर्टिकुलर देश काल समाज के एक सिचुएशन पे आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो फतवा दिया जा रहा है। हाँ यहाँ तो सीधे आप ही, मतलब ज्यूरिसडिक्शन भी आप ही हो, सिर्फ आप एग्जीक्यूटिव नहीं हो, पुलिस नहीं हो, डंडा नहीं आपके हाथ में, बाकी जुडिशियरी भी आप खुद से ही बन के बैठे हो और कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये तो जर्नलिज्म नहीं है अगर ऐसा है तो। मैं देखता हूँ, साफ लगता है मुझे देखते हुए, मैं देखता ही न्यूज चैनल बहुत सारे देखता रहता हूँ, तो वो पूरा इंक्लाइंड, पूरा एक रुझान वैसा दिखता है, वैसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, तब मतलब है ना जर्नलिज्म का। और चेक तो होना ही चाहिए किसी भी प्रशासन, प्रशासन पे, व्यवस्था पे, समाज पे, एक चेक रखने के लिए ही जर्नलिज्म है। फोर्थ पिलर ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं, लेकिन फोर्थ पिलर जो है आजकल बड़ा मुर्की सा होने लगा है, बड़ा मतलब चिंता का विषय है। सर आप बहुत ही बड़े बड़े मेजर एड कैंपेन्स में, टॉप कंपनीज के लिए आप काम कर चुके हैं इन दर कैंपेन्स, तो इफ आई यस, आस्क यू कोई एक एक पर्टिकुलर रीजन के, ये इस तरह के काम इतने सारे कैसे आपको मिलते, व्हाई डू यू गेट सच काइंड ऑफ वर्क? तो ये तो मुझे भी नहीं पता। मतलब यस, बात सही है कि ऑफकोर्स इट पता मस्ट बी द नहीं वर्सिटैलिटी, शायद, हाँ डेफिनेटली, मतलब अभी 30 साल तो हो आपको गए क्या मुंबई में लगता है? काम करते हैं, और मैं सिर्फ एक्टिंग ही करता हूँ, दूसरा मेरा कोई काम नहीं है। लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि और आप और भी कुछ करते हैं क्या, बिजनेस करते हैं क्या, क्योंकि मैं काम बहुत छोड़ता हूँ कि नहीं नहीं करूंगा, नहीं ये नहीं ऐसा, तो उनको लगता है कोई इतना ठसक में कैसे बोल रहा है कि काम, लोग काम काम करते रहते हैं, ये बोलते हैं नहीं ये नहीं करेंगे, नहीं इसकी डेट नहीं है, नहीं इसका, तो आप कुछ और करते हो क्या आप? मैं तो भाई, मैं जब से मुंबई आया हूँ 94 से आज तक कोई दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा हूँ और यही करूंगा भी। मैंने शायद डायरेक्टर बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ, जिसके तरफ मुखाते हुए दिख रहा है मुझे, थोड़ा वो स्टीयरिंग घूमता उधर, लेकिन सिर्फ यही कर रहा हूँ। तो इसका जवाब तो मुझसे बेहतर जो काम देने वाले हैं वही बता सकते हैं, लेकिन ये प्रमाण जरूर है इस बात का, शायद कुछ तो देते ही होंगे, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम पास करके आया मुझे लेना ही, ऐसा तो है नहीं, है ना, उनके पास 50 चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं शायद वो। अच्छा, मजे की बात, जैसे एक बड़ा एड कैंपेन था शाहरुख खान के साथ, वो डिज्नी हॉटस्टार वाला, उसकी खासियत एक आपको बताऊं, जो आपने पूछा शायद उससे में उसका जवाब भी है। वो उस डायरेक्टर के साथ मैंने, उस एड के डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया था, हांगकांग में कुछ शूट किया था या बैंकॉक में कुछ, तो वो आया कि ये करना है, तो वो था 27 अगस्त 2022 मोस्ट प्रोबेबली, तो मैंने कहा सर उस दिन फ्री नहीं हूँ मैं, तो क्या करें, मैंने कहा शूट कर रहा हूँ तू झूठी मैं मकार, और 27 अगस्त को शूट में वो रणवीर कपूर भी है, श्रद्धा कपूर भी है, बोनी कपूर भी है, डिम्पल कपाड़िया भी है, सबके साथ वो कलेक्टिव सीन है, तो कुछ बोले नहीं देखिए ना सर, कुछ कीजिए। मैंने सर कैसे करूं, कमिटमेंट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट, अब पहले से दिया हुआ डेट, वो तो अनप्रोफेशनल हो जाएगा ना, वहां शूट पे नहीं जाना है सर, आई कैन नॉट अफोर्ड टू, बहुत इंसिस्ट करते रहे। फिर बोले अच्छा मेरे तरफ से आप एक बार रिक्वेस्ट कीजिए डायरेक्टर को, लव रंजन। तो मैंने कहा देखिए मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे बोलूँ कि छोड़ने की, क्योंकि डेट दिया हुआ है, कमिटमेंट हमारी पत्थर की लकीर होती है। तो मैंने उनका नाम लेकर टेक्स्ट किया रात में, काफी देर रात में, लव रंजन को, कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं,
और मैं उनका मैसेज आपको पास कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उनका आया जवाब कि क्या बहुत अच्छा ऐड है, इज इट वर्थ डूइंग दैट। मैंने कहा सर स्क्रिप्ट तो अच्छी है और मेरा भी अच्छा है, शाहरुख खान के साथ है थोड़ा अच्छा, तो गिव मी सम टाइम। तो उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया और बोले ठीक है सर हमने आपको 27 छोड़ दिया राजेश जी, आप कर लीजिए वो ऐड। तो मैंने ऐड वाले को बताया ठीक है सर हो गया। तो फिर उनका आया कि नहीं 28 अगस्त भी चाहिए, कि शाहरुख बोल रहे हैं कि 8 ऐड एक साथ शूट करना है तो 2 दिन लगेगा। तो मैंने कहा अरे सर आप 28 कैसे दूं, तो बोले 28 बिजी है। मैंने कहा हाँ 28 को बोनी कपूर की दूसरी फिल्म में थी शूट। तो मैंने लव रंजन जी को बताया कि ऐसा ऐसा है सर 28 भी वहां दिया। तो बोले अच्छा मेरे यहाँ तो नहीं है। मैंने कहा हाँ बोनी जी के यहाँ। तो लव रंजन ने ये कहा कि मैं अगर उनके यहाँ से छुड़वा दूं तो बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है कि एक डायरेक्टर ने मेन स्ट्रीम सिनेमा के उसमें अपने में से छोड़ा उन्होंने, और दूसरे की शूटिंग से भी छुड़वाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि और इसलिए वो उन्हें इतने कॉन्फिडेंस से कहा क्योंकि बोनी कपूर उनकी तू झूठी मैं मकार में एक्टर थे, एक्टिंग कर रहे थे और मेरे साडू बने हुए थे उसमें। हाँ तो उस कॉन्फिडेंस में उन्होंने बोला और उनसे छुड़वाया, बोनी जी से रिक्वेस्ट करके छुड़वाया कि लड़के का एक अच्छा ऐड है। तो दोनों जगह से एडजस्टमेंट हुई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक बहुत बड़ी घटना बात। है, और दिस इज लाइक अ सर्टिफिकेट टू मी कि मैंने शायद कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, या मेरा व्यवहार अच्छा रहा होगा, या वो किसी वजह से पसंद करते रहे होंगे जिसकी वजह से इतनी एडजस्टमेंट की उन्होंने मेरे फायदे के लिए। और फिर वो 2 दिन शूट किया शाहरुख खान के साथ। तो जो आप बोल रहे हैं ये उसी से वो रिलेटेड क्राफ्टी है एग्जाम्पल था। बेसिकली, आपका क्राफ्टी है हाँ तो इसकी वजह कुछ, से। हाँ शायद कुछ अच्छा होगा मेरे में जो शायद मुझे भी नहीं मालूम है। अच्छा राय जी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द एस्पायरिंग एक्टर्स? जैसे किसी भी प्रोफेशन को टाइम देते हैं, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, और उसके लिए थोड़ा फाइनेंस भी इकट्ठा करते हैं कि कोचिंग लेना हो कुछ करना हो, इतने दिन तक इतने साल तक उसमें पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ मेहनत करनी है, चाहे मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो, आप खर्चा करते हो ना पहले, उसके क्लासेस लेते हो, कोचिंग जाते हो, फिर एग्जाम देते हो, पास करते हो, फिर उसकी फीस भरते हो। तो वैसे ही इससे भी एक्टिंग को भी इसी तरह समझें, डोंट टेक इट इजी, बहुत टफ है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और इसमें एग्जाम जैसा नहीं है कि आप एग्जाम पास करके आए, सरकारी SSC करके आए, UPSC करके आए हो तो आपको तो लेना ही है, कि कोई एक चेयर तो देनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी डे यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्थ बींग हायर्ड फॉर। आज भी इतने साल हो गए हैं, आई टेक हर दिन, मुझे एक नया दिन जैसा लगता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, क्यों वो मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज दैट थिंग सर्कुलेट्स फर्दर। आप बुरा करोगे तो वो सर्कुलेट होगा, बिकॉज सभी फ्रीलांसर हैं, यही लोग 10 अलग अलग यूनिट में मिलेंगे आपको, यही यहाँ से एक बंदा निकल कर दूसरी जगह जाएगा, तो आप अच्छा करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा माउथ पब्लिसिटी से, बुरा करेंगे तो माउथ पब्लिसिटी से वो मल्टीप्लाई होगा। अब आप, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट योर एटीट्यूड एज वेल, योर सोशल बिहेवियर, योर पर्सनल अपकीप, वो सभी चीज काउंट होता है उसमें, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, आप सोशल भी होने चाहिए इन जनरल, तब फिर बाद में वो पे करना शुरू करता है, तब उसकी शेल्फ लाइफ होती है, तब आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो विथ डिग्निटी विदाउट लिविंग इन बिटवीन, तब आप कंपेल्ड नहीं होंगे कि इसको छोड़ के जाना पड़े, और तब आपको अपने ऊपर गर्व होगा, और आपको लेने वाला भी गर्व करेगा आपको लेकर, और उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पूरी ट्रेनिंग के साथ आए हो, ऐसे ही नहीं उठ के चले आए हो, और देन यू विल नेवर बी आउट ऑफ वर्क। और यहाँ तो ऐसा है कि एक बार आप चल गए, दिख गए, छप गए, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, स्काई इज द लिमिट, काम एम्पल है, काम बहुत है एक्टिंग का, इसमें अब थोड़े अनस्किल्ड लोग भी आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वॉल्यूम बहुत है। आप देखो ना इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे OTTs हैं, फिल्म है, कॉर्पोरेट फिल्में बनती हैं, और शास्त्र के एड फिल्में बनती हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, मीडिया को तो इतना काम हो रहा है कि वो माने फिल इन द ब्लैंक नहीं हो पा रहा ठीक से, देखा जाए तो, अगर स्किल्ड जॉब की बात करें तो, काम जानने वाले लोगों की बात करें तो अगर आप स्किल्ड हो, प्रॉपरली एजुकेटेड हो, वेल रिहर्स्ड हो, वेल प्रैक्टिस्ड हो, तो यू विल नेवर बी आउट ऑफ फॉर्म, दैट्स आई एम श्योर। ओके थैंक यू सो मच राजेश जी, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक सर्टेनली सर, इट्स माई प्लेजर टू, थैंक यू वेरी मच, यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, थैंक यू सो मच। या थैंक यू।